अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर अंबर शाहीन है और लाहौर के रिहायशी, स्पेशली बेदिया रोड के रिहायशी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मुझे यहाँ बेदिया रोड पर गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स और इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए 15 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। और मेरे जो पेशेंट्स जो कि पहले मुझे जियो हॉस्पिटल और अंबर मेडिकल सेंटर में दिखाते थे, उन सब के लिए मैंने ये इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई है कि अब मैंने अपने हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है, उसका नाम है अंबर हॉस्पिटल। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अंबर हॉस्पिटल में पहुंचने का क्या तरीका है और अंबर हॉस्पिटल कहाँ पे वाक़िया है। अंबर हॉस्पिटल एक बहुत ही नुमाया जगह पे वाक़िया है और आप यहाँ तक बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप रिंग रोड से आ रहे हैं किसी भी जगह से, तो रिंग रोड से आप नवाज शरीफ इंटरचेंज पर उतर जाइए और नवाज शरीफ इंटरचेंज से सिर्फ 1 किलोमीटर भट्टा चौक की तरफ की डायरेक्शन में चलने के बाद राइट साइड पर आपको बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा अंबर हॉस्पिटल का। अल अमीन सोसाइटी के बिल्कुल मेन पर फ्रंट पे वाकिया है अंबर हॉस्पिटल। अगर आप आते हैं डिफेंस से या वॉल्टन रोड से, तो आप लम्स यूनिवर्सिटी से लेफ़्ट हो जाइए और आगे वी ब्लॉक डिफेंस के गले से आगे अल्फ़ला टाउन में एंटर हो जाएं, और अल्फ़ला टाउन से आप बेदिया रोड पर जो ही चढ़ते हैं तो वहाँ से चंद गज़ के फासले पर राइट साइड पर आपको अंबर हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा। अगर आप फेज़ 5 से आ रहे हैं या फेज़ 6 से आ रहे हैं, तो वहाँ से भी सेम नवाज शरीफ इंटरचेंज से आपने भट्टा चौक की डायरेक्शन लेनी है और वहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर आपको अंबर हॉस्पिटल सामने नज़र आ जाएगा। अगर आप एयरपोर्ट रोड से आ रहे हैं, गाज़ी रोड से आ रहे हैं, या भट्टा चौक से आ रहे हैं, या निशात कलोनी के एरिया से आ रहे हैं, या आर्य बाज़ार के एरिया से आ रहे हैं, तो आप भट्टा चौक से सीधे चलते जाएँ तो आपको ये लेफ़्ट साइड पर नज़र आएगा। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, अल अमीन सोसाइटी के बिल्कुल सामने वाकया है। ये तो हो गई इसकी लोकेशन की बात, लेकिन आप इसकी लोकेशन सर्च कर सकते हैं। आप अपने गूगल ब्राउज़र पे जाइए और वहाँ पे गूगल लोकेशन पे अंबर हॉस्पिटल डालिए, तो आपको इसकी लोकेशन इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे मेरी टाइमिंग सुबह 11 से 3 बजे हैं और शाम को 7 से 10 बजे हैं। और मुझे जो है वो मेरा चैनल योर हेल्थ बाई डॉक्टर अंबर के रेफरेंस से पूरी दुनिया में जो भी लोग उर्दू और हिंदी वीडियोस देखने वाले लोग हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप मुझसे बिलमुशाफा मुलाकात करना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी का इशू है, कोई भी आपको गायनी का इशू है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है या अट्रा का मसला है, या फिर आपकी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन का मसला है, या आपकी शादी को काफ़ी ज़्यादा लंबा अरसा हो चुका है और आप अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो फिर आप मुझसे बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं। मैं नंबर बोल भी देती हूँ, 03060483881। अगेन नोट कर लीजिए, मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, 03060483881। इस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर से कहीं दूर के इलाके से हैं तो आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए, और इस नंबर पे कॉल करने के बाद वो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर बता देंगे, और उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद मैं आपको वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल, जिस तरीके से भी आप लाइक करेंगे, उसके ज़रिए आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगी। आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो देख लूँगी और उसके मुताबिक जो भी फर्दर गाइडेंस है आपकी बीमारी से मुतल्लिक या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, वो मैं आपको फ़ोन पर ही दे दूँगी। आपको जो रिपोर्ट्स चाहिए मज़ीद करवाने के लिए वो भी बता दूँगी, और इस तरह आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पीरियड्स के इश्यूज़ हैं तो तब भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि मेरे वो तमाम पेशेंट्स जो कि भट्टा चौक, वॉल्टन रोड, गाज़ी रोड, चुंगी या मरियम कॉलोनी या जो लिद्दड़ है, इसके अलावा मेहर टाउन है, और ये तमाम इलाके, इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके से आने वाले पेशेंट हैं, जैसे मॉडल टाउन, वाबड़ा टाउन, जोहर टाउन, फैसल टाउन, ये तमाम पेशेंट्स जो हैं वो चूँकि मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पर बैठती हूँ, उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं अंबर हॉस्पिटल में अब बैठती हूँ। सुबह शाम वहाँ पर मौजूद होती हूँ, 24 घंटे मेरी मुस्तनद डॉक्टर्स यहाँ पर एमरजेंसी के लिए मौजूद होती हैं। जहाँ कहीं भी जिस किसी भी केस के लिए मेरी ज़रूरत पड़े, मैं 24 घंटे ऑन कॉल होती हूँ, और अपने पेशेंट्स के लिए, उनकी सर्विसेज के लिए मैं पहुँचती हूँ जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है। जिस पेशेंट ने मुझसे नॉर्मल डिलीवरी करवानी है या मुझसे ऑपरेशन करवाना है,
मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ हमारे नॉर्मल डिलीवरी के सिज़ेरियन सेक्शन के, इसके अलावा हमारे जो बग़ैर दर्द के डिलीवरी है उस सब के रेट्स बहुत ही रिज़नेबल हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो डिलीवरी के वक्त एक बहुत ही सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अब्दुलरहमान शेर बच्चे को अटेंड करते हैं, और जो भी ज़रूरत होती है बच्चे को इमीडिएट केयर की वो इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में नर्सरी भी मौजूद है, अगर आपके बच्चे को इमीडिएट नर्सरी की ज़रूरत है तो हमारा हॉस्पिटल नर्सरी की प्रोविज़न भी देता है। बच्चे को ऑक्सीजन वगैरह जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो इमीडिएट हम बच्चे को एडमिट कर लेते हैं। अगर ज़रूरत हो तो फिर हम अगर बच्चे को मजीद किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो डॉक्टर रहमान शेर उनको बच्चे के बारे में गाइड कर देते हैं पेरेंट्स को। हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी होती है गायनी की एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की। डॉक्टर रुबीना अफजल और डॉक्टर फोजिया काशिफ मेरे साथ दो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा डॉक्टर सबा हैं हमारे साथ। और ये जो तमाम गायनाकोलॉजिस्ट की टीम है ये आपके लिए 24 घंटे मुस्तनद रहती है। जब भी कोई इमरजेंसी हो किसी वक्त भी आप तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारे पास लेबॉर्ट्री है, हमारे पास फार्मेसी है, हमारे पास ब्लड बैंक की सहूलत है, आप क्रॉस मैच करवा सकते हैं यहाँ पर किसी वक्त भी आकर। इसके अलावा अगर आपको बच्चों की केयर से या बच्चों के चेकअप से रिलेटेड आना है तो हमारे पास एक बेहतरीन पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है जिसको हेड कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुलरहमान शेर। डॉक्टर अब्दुलरहमान शेर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने अंबर हॉस्पिटल को ज्वाइन किया हुआ है और अंबर हॉस्पिटल में वो अपनी सर्विसेज अंजाम दे हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझसे। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अमूमन बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज करते हैं, जबकि हम ना सिर्फ अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं बल्कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में हम यहाँ पर डिलीवरीज एंड ऑपरेशंस कर रही हैं। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मुल्क के इकोनॉमिकल हालात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे, लोगों की माली हालत इतनी अच्छी नहीं रही, इन सारे को टैकल करने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सारी फ्री सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं। उनमें से एक फ्री वैक्सीनेशन है जो कि हर हफ्ते वाले दिन सुबह 9 से 1 बजे तक जो छोटे बच्चों को जो हिफासी टीका जात हैं वो मुफ्त लगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर जुमे और हफ्ते वाले दिन दोपहर को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक गायनी चेकअप और अल्ट्रासाउंड बिल्कुल फ्री किया जाता है। और इसके अलावा हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है जो जिसका नाम है AH हेल्थ कार्ड। आप यहाँ पे आके रिसेप्शन से AH हेल्थ कार्ड के फॉर्म्स आके ले सकते हैं। AH हेल्थ कार्ड आपको मिल जाएगा तो उस पर आपको जितने भी कंसल्टेंट्स हमारे पास बैठते हैं उन सब की फ़ीस पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने मुझसे चेक करवाना है तो मेरी फ़ीस पर भी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप वो हेल्थ कार्ड रिसेप्शन पे शो करते हैं तो। इसके अलावा जितने भी कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास इस वक्त ऑर्थोपेडिक के बहुत बेहतरीन कंसल्टेंट बैठते हैं डॉक्टर शुजाउद्दीन, हमारे पास सर्जरी के बेहतरीन कंसल्टेंट बैठते हैं डॉक्टर निज़ाम अब्दुल कादिर, हमारे पास यूरोलॉजी के बेहतरीन कंसल्टेंट बैठते हैं डॉक्टर मेसम अली शाहिद, और इसके अलावा हमारे पास जनरल फिजिशियन होती हैं डॉक्टर आमरा जो कि बहुत बेहतरीन जनरल फिजिशियन हैं। और यकीनन आपको किसी भी मसले के लिए हमारे हॉस्पिटल आना पड़े तो आपको कभी भी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इन तमाम कंसल्टेंट्स की फ़ीस पर आपको AH हेल्थ कार्ड देगा 30% डिस्काउंट। इसके अलावा अगर आपने AH हेल्थ कार्ड बनवा लिया है तो आपको तमाम प्रोसीजर जिस किस्म की भी आपने ऑपरेशन करवाना हो, चाहे जनरल सर्जरी का हो, चाहे आपने गायनी का कोई प्रोसीजर करवाना हो, उन सब पे भी जितना मैक्सिमम हो सकेगा डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको ये भी एक गुड न्यूज़ सुना दूं कि हमारे हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कैमरे के ज़रिए सर्जरी की भी सहूलत मौजूद है। ये लेप्रोस्कोपी आपने इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के लिए करवानी हो, या आपने किसी ट्यूबों के या अंडेदानी के मसलों के लिए करवानी हो, बच्चेदानी के किसी मसले के लिए करवानी हो, या लेप्रोस्कोपी या कैमरे के ज़रिए पित्ते का ऑपरेशन करवाना हो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ऑपरेशन करवाना हो, तो ये सारी सहूलियात अंबर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमारे पास एक बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर है, हमारे पास एक बेहतरीन लेबर रूम है जहाँ पे फुली स्टेरलाइज एनवायरनमेंट मौजूद है, और इसके अलावा हमारा जितना भी इक्विपमेंट है वो सब का सब हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, और वो तमाम अब मरीज़ों के लिए महफूज तरीन है। उम्मीद है कि आपको अंबर हॉस्पिटल में आकर कभी भी मायूसी नहीं होगी, बिकॉज़ हम गारंटी करते हैं आपके केयर की। थैंक यू सो मच।